तलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फैला ये बंटा है। मैं तो कभी का बोला था बंटा है मैं। तो एमवे बंटाई का होल हार्टेडली का फर्स्ट सॉन्ग बोलना तू बंटाई कल रात 12 बजे आ चुका था। और इस गाने को एक बार नहीं दो बार नहीं कम से कम हर एक बंदे ने 10 बार तो सुना ही होगा। और एमवे बंटाई ने अपने इस गाने में अपनी पूरी दिल की बात कह डाली है। और जो एमवे बंटाई का ट्रू फैन होगा वही बंदा इस गाने को दिल से समझ सकता है। कसम से जब मैंने इस गाने को फर्स्ट टाइम सुना था तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। हर एक लाइन मुझको काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है। अंदर से बोलता हूँ जब भी मैं खड़ा सामने माइक के। तो आज इस गाने का छोटा सा रिव्यू करते हैं और पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहना। और एक और चीज, वीडियो अपलोड होते शायद हमारे इस चैनल पे पूरे 10K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए, तो सब भाई को इसके लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इस गाने में आप सबको काफी प्यारी मेलोडिक म्यूजिक सुनाई देगी जो कि सुनने में काफी अच्छी वाइब देता है। और फिर इसके बाद एमवे बंटाई की आवाज सुनाई देती है जिसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाती है, जो कि एमवे बंटाई के वॉइस को चेंज करके बदल दिया गया है। और ये वॉइस सुनने में मुझको काफी इंटरेस्टिंग सी भी लगती है। फिर इसके बाद एमवे बंटाई का पहला हुक पार्ट आता है। अंदर से बोलता हूँ जब भी मैं खड़ा सामने माइक। तो एमवे बंटाई बोलते हैं कि काफी अंदर से बोलता हूँ जब मैं खड़ा सामने माइक के। मतलब ये है कि जब एमवे बंटाई माइक पर खड़े होते हैं तो वो अपने अंदर की बात बोलते हैं और वो अपनी पूरी दिल की बात कह देते हैं। फिर इसके बाद सेकंड लाइन में एमवे बंटाई बोलते हैं कि बोले काफी बोलता हूँ क्या करूँ लेके रखा घर पे 3-4 माइक में। ये बोले काफी बोलता हूँ क्या करूँ लेके रखा 3-4 माइक घर पे। सो ये लाइन सुनकर मुझको ऐसा लगता है कि एमवे बंटाई ने ये लाइन पिंकी रफू और हेटर लोगों को बोला है। यही लोग बोलते हैं कि एमवे बंटाई काफी बोलते हैं। इन बंदों को रिप्लाई करते हुए बोला है कि क्या करूं मैं घर पे 3-4 माइक लेके रखा हूं। तभी मैं बोलता हूं, फिर अगली लाइन आ जाती है। इस लाइन में एमवे बंटाई यही बोलते हैं कि उनकी लाइफ में काफी चीजें हुई है तभी वो इतना ज्यादा बोलते हैं और तभी तो बोलना बनता है। फिर वही एमवे बंटाई का ऑटो ट्यून वाली मेलोडिक वॉइस सुनाई देती है। एंड फिर इसके बाद एक सरप्राइज देखने को मिलता है। अभी आपको याद ही होगा कि एमवे बंटाई ने बोला था कि इस एल्बम के अंदर कोई भी सॉन्ग में हार्डकोर रैप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं अचानक से काफी खतरनाक हार्डकोर रैप आ जाता है जिसे देखकर मैं तो एक बार में शॉक हो जाता हूँ। तलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फैला ये बंटाई। मैं तो कभी का बोला था बंटाई मेरे गाने। और ये बात भी छोटे से छोटे बच्चे को पता है, जब भी एमवे बंटाई हार्डकोर रैप करते हैं तो सबके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। रैप के अंदर एमवे बंटाई की एक लाइन ऐसी भी होती है जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरे गाने सुनेंगे ये 1 time नहीं 100 बार फिर भी पकड़े नहीं कौन हार्ड। मेरे गाने सुनेंगे ये 1 time नहीं 100 बार फिर भी पकते नहीं कौन हार्ड, मुझे वक्त ही नहीं क्यों। तो ये लाइन पक्का एमवे बंटाई ने पिंकी को बोला होगा। एंड फिर इसके बाद लास्ट लाइन आती है जिसमें एमवे बंटाई ने बोला जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने पाया है। इसमें ऊपर वाले की रहमत है। बंटाई की पब्लिक, मेरे को तो ये गाना भाई काफी ज्यादा पसंद आया। सो आप लोगों को ये गाना कैसा लगा मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते बाकी हो। आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस गाने को अभी भी लूप पे सुनते रहो। सो जब तक के लिए बाय बाय।